भाइयों और बहनों, हम देश की कृषि को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी पूरी इस किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसमें नए प्राण लाने के लिए हम कृतनिश्चयी हैं, बल दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण कितनी समस्या आ रही है ये हमारा किसान आज अनुभव कर रहा है। इसलिए अब हमें अपनी पुरानी परंपराओं की ताकत को फिर से याद करना होगा। हमारा मोटा अनाज, और मैं तो देख रहा था मोटे अनाज की सुंदरता भी कितनी अच्छी है। हमारा मोटा अनाज हर मौसम हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है, और ये सुपर फूड है। मोटा अनाज सुपर फूड है, ये अधिक पोषक भी होता है। इसलिए इस वर्ष के बजट में हमने मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में नई पहचान दी है, और कर्नाटका तो श्री अन्न के मामले में दुनिया का एक बड़ा केंद्र और सशक्त केंद्र है। यहां तो श्री अन्न को पहले से ही श्री धान्य कहा जाता है। अनेक प्रकार के श्री अन्न यहां का किसान उगाता है। कर्नाटका की बीजेपी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसके लिए किसानों को मदद भी देती है। मुझे याद है कि रईता बंधु येदियुरप्पा जी ने श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए यहां कितना बड़ा अभियान चलाया था। अब हमें इस श्री अन्न को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। श्री अन्न को उगाने में लागत भी कम है और पानी भी कम लगता है। इसलिए ये छोटे किसानों को डबल बेनिफिट देने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र में गन्ने की पैदावार खूब होती है। भाजपा सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। इस साल के बजट में भी गन्ना किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है। शुगर कोऑपरेटिव द्वारा 2016-17 के पहले के गए पेमेंट पर टैक्स में छूट दी गई है, और इससे शुगर कोऑपरेटिव के ऊपर जो 10,000 करोड़ रुपए का बोझ था, जो यूपीए सरकार उनके सर पर डाल के गई थी, उन 10,000 करोड़ रुपए का फायदा ये मेरी शुगर कोऑपरेटिव को होने वाला है। आप सभी को ये भी पता है कि हमारी सरकार इथेनॉल के उत्पादन पर कितना जोर दे रही है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों की आय भी बढ़ रही है। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 1.5% से 10% किया जा चुका है। अब सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य लेकर चल रही है। जितना ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारे गन्ना किसानों को भी फायदा होगा।